दोस्तों, ये आवाज सुनकर एक ही नाम का ख्याल आता है, बुलेट। रॉयल इनफील्ड की वही दमदार बाइक जिस पर बैठने भर से ही लोगों का स्टेटस बढ़ जाता है। कभी वर्ल्ड वार में इसे हवाई जहाज से सीधे युद्ध के मैदान में उतारा गया, तो कभी पथरीले रास्तों से होकर गुजारा गया। इसने कभी भी धोखा नहीं दिया, लेकिन हर सफलता के पीछे एक संघर्ष की कहानी होती है। रॉयल इनफील्ड का भी सफर इतना आसान नहीं था। यह एक ब्रिटिश कंपनी थी जो कई बार बंद होने की कगार तक पहुंची, लेकिन इसके अच्छे दिन तब शुरू हुए जब आयसर मोटर्स के सीईओ सिद्धार्थ लाल ने इसको बचाने का जिम्मा अपने कंधों पर लिया। रॉयल इनफील्ड कंपनी की अभी तक की जर्नी कैसी थी? यह इंडियन ब्रांड कैसे बना? वो कौन सी कमियां थी जिसे दूर कर सिद्धार्थ लाल ने इसे दुनिया का एक फेवरेट ब्रांड बना दिया? आज की हमारी वीडियो में हम इन्हीं सब बातों को डिटेल में जानने वाले हैं। दोस्तों, रॉयल एनफील्ड की शुरुआत आज से लगभग 125 साल पहले इंग्लैंड में हुई थी। जॉर्ज टाउनसेंड नाम के एक ब्रिटिश ने 1851 में सिलाई मशीन के नीडल बनाने का बिजनेस शुरू किया था, और जब साल 1882 में उनके बेटे भी बिजनेस से जुड़े तब वह साइकिल बनाना भी शुरू कर दिए। लेकिन लगातार नुकसान की वजह से जॉर्ज टाउनसेंड ने अपना बिजनेस एल्बर्ट एडी और रॉबर्ट स्मिथ नाम के दो फाइनेंसर्स को सौंप दिया और कंपनी का नाम बदलकर एडी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड कर दिया। इस कंपनी को एक आर्म्स फैक्ट्री के लिए बंदूक के छोटे छोटे पार्ट्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, इसलिए उन्होंने द न्यू एनफील्ड साइकिल कंपनी लिमिटेड के नाम से अपने साइकिल डिवीजन को अलग कर दिया और साइकिल रेंज का नाम रॉयल एनफील्ड दे दिया, ताकि साइकिल बिजनेस पर सही ढंग से फोकस किया जा सके। कुछ सालों बाद कंपनी ने नई सोच के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया और फिर 1899 में उन्होंने चार पहियों वाली एक क्वाड्री साइकिल बनाई, और उसके ठीक दो साल बाद 1901 में साइकिल पर ही एक इंजन जोड़कर एनफील्ड ने अपनी पहली मोटरसाइकिल लॉन्च की, जिसमें उन्होंने मिनर्वा नाम की कंपनी का इंजन यूज किया था। हालांकि इसके बाद भी कंपनी ने कई अलग अलग मोटरसाइकिल लॉन्च किए, लेकिन उनमें से कोई भी बाइक मार्केट में कोई खास कमाल नहीं कर पाई। फिर 1903 में रॉयल एनफील्ड कंपनी ने कार प्रोडक्शन में भी अपना कदम बढ़ा दिया। हालांकि उन्हें इस बिजनेस से अगले कुछ साल में बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा, और इसलिए उन्होंने 1907 में अपनी कार बनाने वाली कंपनी को ऑल्डेज एंडोनियंस नाम की कंपनी को बेच दिया और मोटरसाइकिल बनाने में कंसंट्रेट करने लगे। रॉयल एनफील्ड को पहली सबसे बड़ी सफलता 1914 में तब मिली जब पहले वर्ल्ड वार के दौरान उन्हें ब्रिटिश वार डिपार्टमेंट को मोटरसाइकिल सप्लाई करने का एक बड़ा ऑर्डर मिला, और फिर इंपीरियल रशियन गवर्नमेंट ने भी उन्हीं से मोटरसाइकिल खरीदने का फैसला किया। लेकिन दोस्तों, फिर साल 1932 में कुछ ऐसा हुआ जिससे इस कंपनी की तकदीर ही बदल गई। दरअसल वो समय 1932 का ही था जिसमें रॉयल एनफील्ड ने अपनी आइकॉनिक बाइक बुलेट को लॉन्च किया, जो अपने समय की सबसे स्टाइलिश और पावरफुल बाइक्स में से एक थी, और लॉन्च होते ही लोगों के बीच काफी पॉपुलर हो गई। और दोस्तों, आज भी पूरी दुनिया में अब तक का सबसे लंबे समय तक चलने वाला बाइक मॉडल बुलेट ही है। उस समय रॉयल एनफील्ड के बाइक बहुत ही ज्यादा मजबूत होते थे, और यहीं से उनके मोटरसाइकिल्स तेजी से फेमस होने लगे। फिर दूसरे वर्ल्ड वार के दौरान ब्रिटिश अथॉरिटी ने रॉयल एनफील्ड के साथ मिलिट्री मोटरसाइकिल्स बनाने का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया, और युद्ध में एनफील्ड की मोटरसाइकिल्स बहुत बड़े स्तर पर यूज की गई। यहाँ तक कि एनफील्ड की बाइक्स को हवाई जहाज से सीधे युद्ध के मैदान में भी उतारा गया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हुई कि इन बाइक्स का इस्तेमाल मिलिट्री और आर्मी तक ही सीमित होकर रह गई। आम लोगों के दिमाग में ये परसेप्शन बन गया कि रॉयल एनफील्ड की हैवी बाइक्स मिलिट्री और लॉन्ग टूर्स के लिए ही बनाया जाता है, डेली यूज में उनका कोई काम नहीं, और इसलिए वॉर खत्म होते ही रॉयल एनफील्ड की सेल्स में तेजी से गिरावट आने लगी और कंपनी लॉस में आ गई। दोस्तों, यहाँ तक की कहानी तो रॉयल एनफील्ड की इंग्लैंड की कहानी थी, जब रॉयल एनफील्ड अभी इंडिया में एंटर भी नहीं हुआ था। 1947 में आजादी मिलने के बाद इंडियन गवर्नमेंट को आर्मी के लिए मोटरसाइकिल्स की जरूरत थी। सरकार एक ऐसी बाइक खोज रही थी जो बॉर्डर पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल की जा सके, और क्योंकि बुलेट अपनी मजबूती के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर थी, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने 1954 में रॉयल एनफील्ड को 800 बुलेट का ऑर्डर दे दिया। इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए रॉयल एनफील्ड ने साल 1955 में एक इंडियन कंपनी मद्रास मोटर्स के साथ पार्टनरशिप कर लिया, और कुछ इस तरह से रॉयल एनफील्ड इंडिया शुरुआत में मद्रास मोटर्स बाइक के पार्ट्स इंग्लैंड से मंगाती थी और इंडिया में उसे असेंबल करके बेचा जाता था। लेकिन साल 1962 आते आते मोटरसाइकिल्स के सभी कंपोनेंट्स इंडिया में ही बनने लगे, और अगले तीन डिकेड्स तक रॉयल एनफील्ड को मद्रास मोटर्स ने खुद चलाया, लेकिन कोई खास कामयाबी नहीं मिली और कंपनी घाटे से उभर नहीं पा रही थी। जबरदस्त नुकसान की वजह से साल 1971
1971 में इनफील्ड इंग्लैंड को बंद कर दिया गया। हालांकि इंडिया में प्रोडक्शन तो जारी रहा, लेकिन नुकसान की मार वह इंडिया में भी नहीं झेल पाए और कंपनी को आयशर ग्रुप के हाथों बेच दिया। आयशर ग्रुप के फाउंडर विक्रम लाल जी का यह फैसला रॉयल इनफील्ड की ब्रांड वैल्यू और बुलेट 350 बाइक की पॉपुलैरिटी को देखकर लिया गया था। उन्हें उम्मीद थी कि वह जल्दी ही कंपनी को घाटे से उबार देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लगातार 6 साल की कोशिशों के बाद भी रॉयल इनफील्ड की कंडीशन में जब कोई सुधार नहीं आया तो आयशर मोटर्स ने इसे हमेशा के लिए बंद करने का मन बना लिया। फिर कहानी में एंट्री होती है आयशर ग्रुप के फाउंडर विक्रम लाल जी के बेटे सिद्धार्थ लाल। मैकेनिकल इंजीनियर सिद्धार्थ को मोटर बाइक में काफी दिलचस्पी थी और उन्होंने रॉयल इनफील्ड को बचाने के लिए बोर्ड मेंबर्स से एक आखिरी मौका मांगा और ये आखिरी मौका उन्हें दे दिया गया। इस तरह दोस्तों साल 2000 में रॉयल इनफील्ड की सारी जिम्मेदारी सिद्धार्थ लाल ने अपने कंधों पर ले ली और उसके बाद जो हुआ वह वाकई में किसी मिरेकल से कम नहीं था, क्योंकि जो कंपनी बर्बाद होकर बंद होने वाली थी सिर्फ कुछ ही सालों में मिड साइज बाइक सेगमेंट की मार्केट लीडर बन गई। आज हार्ले डेविडसन जितनी बाइक्स पूरी दुनिया में बेचती है उससे कहीं ज्यादा बाइक्स रॉयल इनफील्ड अकेले भारत में सेल कर देती है। तो आखिर सिद्धार्थ लाल ने ऐसा क्या कर दिया कि सब कुछ पलट गया? दरअसल सिद्धार्थ एक बाइक एंथुजियास्ट थे। वह इस बात को लेकर परेशान थे कि जिस बाइक में इतनी पोटेंशियल है और लोगों के बीच काफी पॉपुलर भी है, फिर भी इसकी सेल क्यों नहीं बढ़ रही। इसका आंसर जानने के लिए उन्होंने अपनी बाइक को एक कस्टमर के नजरिए से देखना शुरू किया और उसकी कमियों को समझने के लिए एक लंबे टूर पर निकल गए। और जब सिद्धार्थ लाल ने खुद अपनी उन बाइक्स पर हजारों किलोमीटर का सफर तय किया तो उससे जुड़ी हर एक वीकनेस के बारे में सब कुछ समझ आ गया। जैसे बाइक में क्या क्या कमियाँ हैं, कस्टमर उनकी बाइक से क्या चाहता है और बाइक में कौन कौन सी चीजों में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए बाइक्स में कई टेक्निकल बदलाव किए। जैसे रॉयल इनफील्ड की बाइक्स में गियर प्लेट पहले राइट लेग की तरफ होती थी, उसे लेफ्ट लेग में लाया गया। किक स्टार्ट के साथ उसमें सेल्फ स्टार्ट भी ऐड कर दिया गया, क्योंकि उस समय बुलेट की किक बाउंस बैक करती थी और बाइक को स्टार्ट करते वक्त कई बार लोगों के पैर में गंभीर चोट लग जाती थी। इसके अलावा भी बाइक में कुछ छोटे मोटे बदलाव किए गए, लेकिन इस बात का खास ख्याल रखा गया कि इससे बाइक के विंटेज लुक में कोई बदलाव न आए, क्योंकि ये रॉयल इनफील्ड की आइकॉनिक डिजाइन ही है जो हमेशा से उसकी एक अलग पहचान बनाती है। और उनके ये सब चेंजेस करने की वजह से बाइक्स की सेल धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गई। अब सिद्धार्थ के सामने अगला सबसे बड़ा चैलेंज था लोगों की सोच बदलने का, क्योंकि इंडिया में रॉयल इनफील्ड के हैवी बाइक्स को लोग टूरिस्ट बाइक समझते थे। डेली यूज के लिए उस समय मार्केट में मौजूद हीरो होंडा और बजाज की हल्की बाइक्स लोग ज्यादा पसंद करते थे। इस चुनौती से निपटने के लिए सिद्धार्थ खुद अपनी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बन गए और साथ ही उन्होंने कई ऐसे कमाल के एड कैंपेन भी रन किए, जिसके जरिए उन्होंने लोगों को समझाया कि हैवी बाइक्स को भी हल्की बाइक्स की तरह डे टू डे लाइफ में यूज किया जा सकता है और इसका भी अपना एक अलग ही मजा है। और धीरे धीरे इन्हीं सभी कोशिशों की मदद से लोगों का परसेप्शन भी चेंज होने लगा। और दोस्तों सिद्धार्थ का जो अगला सबसे बड़ा डिसीजन था वह उनकी जगह किसी और के लिए ले पाना पॉसिबल ही नहीं था। साल 2004 में जब सिद्धार्थ को आयशर ग्रुप का सीईओ बनाया गया तो उस समय इस कंपनी के 15 अलग अलग बिजनेस हुआ करते थे, जिसमें कॉमर्शियल व्हीकल्स के साथ ही कंसल्टेंसी सर्विसेज, गारमेंट्स एंड फुटवियर जैसे बिजनेस भी शामिल थे। उन्होंने रॉयल इनफील्ड पर फोकस बढ़ाने के लिए अपने 15 में से 13 बिजनेस को सेल कर दिया, जिसमें कंपनी का सबसे पहला ट्रैक्टर बिजनेस भी शामिल था। इस तरह उन्होंने सिर्फ मोटरसाइकिल और ट्रक के बिजनेस को कंटिन्यू रखा, क्योंकि उनका मानना था कि ढेर सारे असफल बिजनेस को चलाने से बेहतर है कि एक या दो बिजनेस को ही सही ढंग से चलाकर उन्हें मार्केट लीडर बनाया जाए। और दोस्तों उन्होंने इसे सही साबित करके भी दिखाया। आज रॉयल इनफील्ड की एक स्ट्रांग कम्युनिटी और फैन फॉलोइंग है, जिसको मजबूत रखने के लिए कंपनी कई सारे टूर इवेंट्स और एडवेंचर ट्रिप भी ऑर्गेनाइज करती रहती है। आज इंडिया में जितना क्रेज रॉयल इनफील्ड ने क्रिएट किया है उतना किसी और ब्रांड में देखने को नहीं मिलता। यही वजह है कि आज से 20 साल पहले जो रॉयल इनफील्ड एक एक बाइक बेचने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, उसे आज खरीदने के लिए लोगों को महीनों वेट करना पड़ता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि रॉयल इनफील्ड की यह स्टोरी भी आपको जरूर पसंद